हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए, पिछले वीक यानी कि जो बीता हुआ हफ्ता है उसमें हमने आते हुए देखने को मिले चार आईपीओ। चार में से दो आईपीओ काफी हिट रहे। पहला था श्याम मेटेलिक्स और दूसरा था दोस्तों डोडला डेयरी। अब अगले हफ्ते एक और आईपीओ आने जा रहा है, नाम है इंडिया पेस्टिसाइड्स। तो क्या ये भी हिट रहेगा या नहीं रहेगा, इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कंपनी का ओवरव्यू, इंडस्ट्री ओवरव्यू, कौन इनके कॉम्पिटिटर्स हैं लिस्टेड स्पेस में, कितना उनका वैल्यूएशन है इसके कंपैरिजन में, क्या ये सस्ता है महंगा है, कितना इसका आज के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, और कंक्लूजन में बात करेंगे क्या हमको यहाँ पर करना है। तो वीडियो दोस्तों काफी इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग होगा, पूरा देखिए एंड तक। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1984 में और वन ऑफ द लीडिंग एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। मतलब कि दोस्तों एग्रोकेमिकल सेक्टर से ये कंपनी जुड़ी हुई है और ये सेक्टर दोस्तों काफी ग्रो हो सकता है फ्यूचर में। अभी इसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेगमेंट्स में बात करेंगे। तो कंपनी बेसिकली दो बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। पहला है टेक्निकल्स, दूसरा है फॉर्मुलेशन। हर्बिसाइड, फंगिसाइड और टेक्निकल्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट्स से मैन्युफैक्चर करती है और सोल इंडियन मैन्युफैक्चरर है ये सेवरल टेक्निकल्स में, दैट इज फॉल्पेट, थियोकार्बामेट एंड हर्बिसाइड। द कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर्स 30+ फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स एंड हर्बिसाइड। तो बेसिकली क्रॉप प्रोटेक्शन सेगमेंट में दोस्तों ये काम करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब कि जो क्रॉप को बचाने के लिए जितने भी तरह के ये यूज होते हैं इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड, जो इंसेक्ट से, रोडेंट से या फिर फंगस वगैरह से बचाने के लिए, उस तरह के दोस्तों ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर टेक्निकल्स मैन्युफैक्चर करती है। 20+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है कंपनी। देखिए ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्रीज। 62% ऑफ टेक्निकल सेगमेंट रेवेन्यूज इन फिस्कल 2020 जो इन कंट्रीज से कॉन्ट्रीब्यूट हुआ है। और ये जो डोमेस्टिक क्रॉप प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरर्स हैं दोस्तों उन्हीं को ये एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। आप देख सकते हैं सिंजेंटा एशिया, यूपीएल लिमिटेड, एसएनजे एग्रो, कॉन्क्वेस्ट कॉर्प प्रोटेक्शन, शारदा क्रॉप कैम और स्ट्रोट्रेस पीटीवाई लिमिटेड। करंटली द फर्म हैज़ टू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यूपीएसआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये इनके जो हैं अभी करंटली दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए अमंग द टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स ऑफ फॉल्पेट, थियो कार्बामेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो विद स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस, कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, स्ट्रॉन्ग आरएनडी कैपेबिलिटीज। तो कॉम्पिटेटिव स्टैंड आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि देखिए टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर है ये, कुछ अपने टेक्निकल्स में नाम है फॉल्पेट, थियो कार्बामेट एंड हर्बिसाइड टेक्निकल्स, तो जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के लिए। अगर प्रमोटर्स की बात करें तो आनंद स्वरूप अग्रवाल हैं एंड इन्हीं की फैमिली जो ट्रस्ट है, इनका फैमिली ट्रस्ट, उन्हीं वही यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए ये मिलियंस में वैल्यू है, हम करोड़ में देखेंगे तो एसेट्स आप देखिए दोस्तों लगातार 317 करोड़, 365 करोड़, 517 करोड़, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पिछले 3 साल से लगातार एसेट्स बढ़ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। रेवेन्यू आप देखें 346 करोड़ से बढ़ के हुआ 489 करोड़, फिर हुआ 655 करोड़। तो देखिए दोस्तों गजब की यहाँ पर हमको रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अच्छी खासी सीएजीआर ग्रोथ से इनका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट भी देखिए 43 करोड़ से बढ़ के हुआ 70 करोड़, फिर 134 करोड़। तो आप देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों डबल हो रहा है प्रॉफिट भी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो फाइनेंशियल बेसिस पे देखें तो कंपनी के दोस्तों स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं। कंपनी के टॉप लाइन, बॉटम लाइन अच्छी खासी ग्रो हो रही है पिछले 3 साल से। ऑलमोस्ट डबल आप देखेंगे, डबल प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज। चलिए आईपीओ के डिटेल्स देख लेते हैं। 23 जून को ओपन हो रहा है दोस्तों, 25 जून को क्लोजिंग हो जाएगी। बुक बिल्ड इशू है ₹1 पर इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर फेस वैल्यू दोस्तों ऑलरेडी स्प्लिटेड है। आप देखेंगे ज़्यादातर आईपीओ में हमको ₹10 से स्टार्ट होता है फेस वैल्यू, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर स्प्लिटेड है। तो ₹1 की फेस वैल्यू पर यहाँ पर आपको आईपीओ का प्राइस देखने को मिल रहा है, अपर प्राइस बैंड 296। तो अगर इसको आप 10 से इंटू करें तो अगर ये फेस वैल्यू 10 होती है आप समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 2960 का प्राइस हो सकता था आईपीओ का, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर स्प्लिट कर दी है मैनेजमेंट ने। जो यहाँ पर लीड मैनेजर्स हैं आईपीओ के, उन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी स्प्लिट कर दिए फेस वैल्यू को, ताकि यहाँ पर ये आम रिटेल निवेशक की रीच में रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये चीज़ हुई है। मार्केट लॉट 50 शेयर्स का है, BSE NSE पर लिस्टिंग होगी। 800 करोड़ का इशू साइज है। अब यहाँ पर देखिए देखने वाली चीज़ क्या है कि ऑफर फॉर सेल 700 का है, फ्रेश इशू ओनली 100 करोड़ का है। तो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं दोस्तों माल बेच के निकल रहे हैं, तो ये एक चीज़ मुझे थोड़ी सी नेगेटिव लगती है। हालांकि इतनी नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हो सकता है प्रमोटर्स प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हों, काफ़ी अच्छा यहाँ पर उनको वैल्यूएशन मिल रहा हो। तो ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्टेक ऑफलोड हो रहा है, करीब 700 करोड़ का। ठीक है, चलिए ये भी ठीक है।
अब ये जो डिटेल्स हैं आप देख सकते हैं, 23 जून को ओपन हो रहा है, 25 को क्लोजिंग हो जाएगी अलॉटमेंट, 30 जून को पता चल जाएगा, 1 जून को रिफंड्स आना चालू हो जाएंगे अगर अलॉटमेंट नहीं आए तो, अगर अलॉटमेंट आए तो 2 जुलाई को डीमैट में आ जाएंगे शेयर्स एंड 5 जुलाई को है लिस्टिंग डेट। तो ये है दोस्तों यहाँ पर पूरी डिटेल्स आईपीओ की। 35% का रिटेल कोटा है ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए ये मैंने आपको शायद बहुत बार पहले भी बताया दोस्तों, जब भी प्रॉफिटेबल होती है कंपनी, अगर लगातार 3 साल, पिछले 5 सालों में से अगर लगातार 3 साल कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो रिटेल कोटा वहाँ पर 35% का आपको देखने को मिलेगा। और अगर 3 साल में से 1 साल भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी, तो आपको वहाँ पर ओनली 10% का रिटेल कोटा देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ये हो गई बात। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले सेगमेंट्स में, जहाँ पर हम बात करेंगे इंडस्ट्री के, इनके जो लिस्टेड स्पेस में कौन इनके कंपटीटर्स हैं। तो देखिए धानुका एग्रीटेक है, भारत रसायन है, यूपीएल है, रैलिस है, पीआई इंडस्ट्रीज है, सुमिटोमो है, अतुल है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत ही तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, पीयर्स हैं, नाम लें चाहे धनुका का, भारत रसायन का, यूपीएल का, रैलिस का, पीआई का, सुमिटोमो का, एटुल का, एक भी नाम आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों जो यहाँ पर कमज़ोर है। फंडामेंटली सबके सब कंपनीज बेहतरीन हैं, और यहाँ पर टक्कर किससे हो रही है भैया, इन सबसे, इंडिया पेस्टिसाइड्स की। तो अगर आप ईपीएस देखेंगे तो इसका ईपीएस 6.35 का है अभी, और ये डेटा आई थिंक मार्च 2020 का है। जी हाँ दोस्तों मार्च 2020 का डेटा है। तो अगर अभी देखिए जैसा मैंने आपको बताया, जो इनके प्रॉफिट मार्च 2020 में 70 करोड़ के थे, बढ़ के हो गए 134 करोड़, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट प्रॉफिट इनका डबल हुआ है। तो ईपीएस भी अगर मैं बताऊं आपको, तो यहां से 12 का ईपीएस आता है मार्च 31 की मैं बात करूं, तो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 13 का ईपीएस मान लीजिए आप, 12-13 का ईपीएस इसका यहां पर बैठता है। तो उस हिसाब से अभी मैं आपको यहां पर कैलकुलेशन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बाकी ये जो है मार्च 2020 का डेटा है, तो मैं आपको 21 के हिसाब से बताता हूं देखिए क्या यहां पर सीन चल रहा है अभी। तो यूपीएल का पी 20 का चल रहा है, पीआई का 58 का चल रहा है, सुमिटोमो का 54, रैलिस का 31, भारत रसायन का 33, धनु का 21, शारदा क्रॉप कैम 13। तो अभी इसकी प्राइस बैंड आपको पता है 296 आई है इंडिया पेस्टिसाइड्स की। तो 296 का अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो करीब करीब, जो ईपीएस से आप डिवाइड करेंगे मार्च 21 के, तो करीब करीब दोस्तों 25 के आसपास आप मान के चलिए इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो निकल के सामने आता है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो के हिसाब से तो यूपीएल से दोस्तों ये अभी महंगा है, पीआई से सस्ता है, सुमिटोमो से सस्ता है, रैली से सस्ता है, भारत रसायन से सस्ता है, धनुका से थोड़ा महंगा है, शारदा क्रॉपकैम से थोड़ा महंगा है। तो ओवरऑल देखें तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बड़ी जो कंपनीज हैं जो एग्रोकेमिकल स्पेस में ऑलरेडी रिनाउंड नेम है, पीआई, सुमिटोमो, या फिर बात करें भारत रसायन का, रैलिस का, तो उनसे सस्ती मिल रही है। तो मुझे लगता है कि लिस्टिंग इन यहाँ पर हो सकता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो के बेसिस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि निकल के आता है 25 का। तो अभी भी यहाँ पर हेडरूम थोड़ा सा बचा हुआ है लिस्टिंग इन के लिए, तो ये हमने चलिए देख लिया। अब थोड़ा सा हम इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो देखिए ग्लोबल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स आर प्राइमरी क्लासिफाइड इनटू इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड्स, फॉलोड बाय द नेमेटिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड्स। ठीक है, ये तो चलिए हमको पता है। चलिए अब यहाँ पर मार्केट ओवरव्यू आप देखेंगे तो सीएजीआर दोस्तों 2014 से लेकर 2019 तक ग्लोबल एग्रोकेमिकल मार्केट सीएजीआर 5.15% के से सीएजीआर से दर से ग्रो हुआ है, मतलब कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और 2019 से 2024 तक ये 6.6% सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। तो यहाँ पर ग्रोथ दोस्तों है अभी भी, कोई इसमें यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ग्रोथ हमने देख ली, अब यहाँ पर आप आगे चलते हैं दूसरे सेगमेंट में, जो है कि कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करें। तो देखिए पीआई इंडस्ट्रीज, एस्टेक लाइफ साइंसेज, भारत रसायन, इंडोफिल, गर्दा केमिकल्स, यूपीएल, यहाँ पर लिस्टेड भी है और अनलिस्टेड कंपनीज भी हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं बात करूँ तो पीआई इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती है 66%, देख लीजिए आप, तो जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ पर आप देखेंगे सुमिटोमो और मेघमनी ऑर्गेनिक्स भी यहाँ पर अच्छा खासा इनके साथ जो है कॉम्पिटिटर है। टैग्रोस भी है, टैग्रोस अभी आई थिंक लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड की बात करें तो देखिए यूपीएल है, पीआई है, जुबिलेंट है, धनुका है, भारत रसायन है, मेघमनी है, रैलिस है, इंडोफिल है। तो ये लिस्टेड स्पेस में ऑलरेडी इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आप देखिए बीएएसएफ, यारा, एएमवीसी, एफएमसी, बेयर, तो ये बड़े बड़े नाम हैं एमएनसी जो इनके साथ कॉम्पिटिशन है। तो देखिए दोस्तों कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, ये मैं आपको ऑलरेडी और बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है जैसे कि इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन मार्केट इज हाईली फ्रेगमेंटेड विद द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 150 एक्टिव इंग्रीडियंट मैन्युफैक्चरर्स, मोर देन 1000 फॉर्मुलेटर्स एंड मोर देन 2 लाख कंपनीज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन। द हाइएस्ट मार्केट शेयर हेल्ड इन द इंडियन क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल मार्केट इज बेयर। जो जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो बेयर क्रॉप साइंसिस का है, एक बड़ी एमएनसी है, फॉलोड बाय द सिंजेंटा एंड यूपीएल।
तो बाकी के जो है दोस्तों, ये इंडिया पेस्टिसाइड्स रैलिस, ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं। बाकी आप देखिए जो ग्लोबल एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है वो बेयर क्रॉप साइंसेस, सिंजेंटा, यूपीएल, रैलिस एंड बीएसएफ से हो रहा है। बाकी धनुका, सुमिटोमो, पीआई, इंडिया इंसेक्टिसाइड्स भी आप इसमें, पेस्टिसाइड्स भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कॉम्पिटिशन बहुत है। तो अगर कॉम्पिटिशन के बेसिस में आपको बताऊं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी दोस्तों मुझे इतनी प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखिए बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, सुमिटोमो केमिकल, रैलिस इंडिया, भारत रसायन, धनुका एग्रीटेक, ये दोस्तों ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर वेल सेटल्ड हैं, स्टेब्लिश्ड हैं, जिनका कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत अच्छा है, जिनके पास से यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है, जो कि दोस्तों इन कंपनीज को इंडिया पेस्टिसाइड से कई गुना बेहतर बनाते हैं। तो लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों, एज पर दी सोर्सेज, हालांकि ऑफिशियल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एक दो कुछ एक वेबसाइट है जहाँ पर ही पता चल रहा है कि 90 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, 296 की प्राइस पे करीब करीब आप मान के चलिए 9 3 27 30% के आसपास या 35% के आसपास हमको लिस्टिंग गेन देखने को इसमें मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और एग्रोकेमिकल सेक्टर काफी अच्छा सेक्टर है, ऐसी बात नहीं है खराब सेक्टर है, बस इसमें प्लेयर्स बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है वो बेयर का है, और कई सारे मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है 2 लाख से ज्यादा कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन में एंगेज हैं, 1000 से ज्यादा फॉर्मुलेटर्स हैं, 150 से ज्यादा एक्टिव इंग्रीडियंट मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो कंपटीशन काफ़ी है इस इंडस्ट्री में, और उस हिसाब से देखें तो इंडिया पेस्टिसाइड्स लिस्टिंग गेन के हिसाब से मुझे सही नहीं लग मतलब सॉरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से सही नहीं लगती, लेकिन हाँ लिस्टिंग गेन मिलेगा इसमें डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 25 के पीई पे अभी ये कंपनी मिल रही है, तो थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन हमको यहाँ पर हो सकता है, करीब 30% हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आज की डेट में। अगर मार्केट कंडीशन सही रही तो हमको लिस्टिंग गेन यहाँ पर डेफिनेटली मिल सकता है, मार्केट कंडीशन खराब भी रही ना दोस्तों तब भी मुझे लगता है कि 10 से 20% इसमें मिल ही जाना चाहिए। बाकी दोस्तों आपको अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो जब आएगा इसका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो आप वीडियो के साथ चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, एंड ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है, हेल्पफुल रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।